शिवपुरी जिले के ग्राम चितारा के पास सिंध नदी में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैधानिक रूप से रेत का उत्खनन पोकलेन मशीन और डंपर के माध्यम से परिवहन किया जा रहा है, जिसकी वजह से नदी का स्वरूप प्रभावित हो रहा है। साथ ही रेत के अवैध परिवहन की वजह से करेरा भितरवार रोड पर रेत गिरने की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसके अतिरिक्त रेत का अवैध उत्खनन करके शासन को लाखों रुपए की राजस्व की क्षति पहुंचाई जा रही है, यह कि हमारे द्वारा पूर्व में शिकायत की जा चुकी है। सीएम हेल्पलाइन 181 पर भी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन न तो अवैध उत्खननकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई और न ही अवैध खनन पर रोक लगाई गई है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। रामबरन गुरुजर, कहाँ से आए हो? रामगढ़ा। आज क्रेडिट आए हो, से लेके आए हो? हमारे यहाँ पास में अवैध रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, यही 8-10 दिन हो गए। एसपी साहब को दिया है, नजदीकी थाने में आपने से बात की? नजदीकी एसटीओपी साहब के पास गया था करेरा, फिर क्या उन्होंने? उन्होंने कहा ऊपर जाओ, हमने एसपी साहब को दिया है। हमें क्या जरूर दिया साहब? अभी कुछ नहीं दिया, अभी तो ऐसे बोल दिया दिखवा लेंगे। अवैध उत्खनन कौन कर रहा है? गजेंद्र रावत है। आपने माइनिंग में दी? माइनिंग में दिया है। वो बोल रहे हैं दिखवा लेंगे, भेज देंगे, ये इंस्पेक्टर एक ही है, उनको जाएंगे। वो सबसे चल रहा है, ऐसे 8-10 दिन हो गए लगभग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।